नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम एक बार फिर उपनिषद की कथाओं को लेकर और उनकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महासाल, शौनक और अंगिरा की कथा को लेकर आए हैं। पांचाल देश के त्रिगर्त नामक जनपद में एक शौनक नाम का बहुत विद्वान और कर्मकांडी ब्राह्मण रहता था। उसकी विद्वता और कर्मनिष्ठा के साथ साथ उसकी धन संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा भी भरपूर थी। उसके रहने का सुंदर मकान एक राजमहल की तरह धन धान्य से पूर्ण और कला कारीगरी का अच्छा आदर्श था। उसकी समानता करने वाले भवन पूरे त्रिगर्त जनपद में बहुत कम थे। उसके समीप रहकर विद्याध्ययन करने वाले शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी थी। इतना ही नहीं, अपने उसी सुंदर और शानदार मकान तथा विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण वह शौनक महासाल के नाम से भी विख्यात था। उसकी भरी पूरी गृहस्थी और शिष्यों की चर्चा प्रायः पूरे पांचाल प्रदेश में होती थी। शौनक जितना विद्वान, कर्मनिष्ठ और धनाढ्य था, उतना ही दयालु और परोपकारी भी था। दीन दुखियों की सहायता करने में वह कभी नहीं चूकता था। अतिथि अभ्यागतों के स्वागत के लिए उसका द्वार सदा खुला रहता था। उसने कभी भूल कर भी किसी का जी नहीं दुखाया। जो जिस प्रयोजन को लेकर उसके पास आता था, सबको वह भरसक संतुष्ट रखने का प्रयत्न करता था। यही कारण था कि उसके ऊपर भगवान की असीम कृपा थी। स्त्री, पुत्र, पुत्री, परिजन, पुरजन सब शौनक के आज्ञाकारी थे। इस प्रकार उसकी आदर्श गृहस्थी उस समय के लोगों की चर्चा का मुख्य विषय बन गई थी। लोग उठते बैठते, सोते जागते अक्सर यह चर्चा करते सुने जाते थे कि भाई गृहस्थी हो तो महासाल शौनक की तरह, उसे कभी किसी वस्तु का खटका दुख नहीं होता। उसी महासाल शौनक के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था शौनक। शौनक अपने ब्रह्मचर्य जीवन में समस्त नियमों का पालन करते हुए समस्त विद्याओं का अध्ययन किया था। उसके सहपाठी उसकी प्रखर बुद्धि और अनुपम परिश्रमशीलता का लोहा मानते थे। अपने छात्र जीवन में न केवल उसने अपने गुरु और गुरुपत्नी की सेवा की थी, वरन अपनी सुहृदयता और सेवा भावना के कारण समस्त आश्रमवासी सहपाठियों का भी स्नेहमय बंधुत्व प्राप्त किया था। शांतिमय ब्रह्मचर्य जीवन की समाप्ति कर शौनक ने जिस समय अपने गुरु के आश्रम से सुखमय गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए अंतिम दीक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया, उस समय उसके सामने दो महान लक्ष्य थे। एक था श्रेय का और एक था प्रेय का। निश्चय ही उस जैसे भाग्यशाली युवक के सामने दोनों लक्ष्य अपनी समनुकूल स्थिति में उपस्थित थे। पिता की लंबी चौड़ी गृहस्थी, प्रचुर सम्मान, लोकोपकार के विस्तृत क्षेत्र के साथ साथ उसका सर्वसाधन संपन्न सुख भोग की उद्यम लालसा से समन्वित गृहस्थाश्रम धर्म उसे एक ओर खींच रहा था, पर दूसरी ओर उसके निश्चल और विशाल हृदय में संसार से विरक्त रहकर आत्मा साधना में सदा निरत रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आदर्श जीवन बिताने की भी कामना थी। उसने अपने गुरुवर्ग से दीक्षांत समारोह से एक दिन पूर्व पूछा, पूज्य गुरुदेव, मेरे लिए अब क्या आज्ञा है? क्या गृहस्थाश्रम धर्म के बिना इस ऐहिक जीवन की कोई दूसरी प्रवृत्ति नहीं है? मैं तो चाहता हूँ निसंग जीवन बिताना, जिसमें सांसारिक बखेड़ों से शांति मिलती है। गुरु ने शौनक की बात ध्यान से सुनी। अभी तक उनके किसी शिष्य ने सांसारिक कामनाओं को इस तरह इनकार नहीं किया था। कुछ देर तक विचार कर गंभीर स्वर में वह बोले, वत्स, गृहस्थाश्रम धर्म के बिना हमारे ऐहिक जीवन की प्रवृत्ति है क्यों नहीं, पर उसमें अशांति की बड़ी संभावना रहती है।
गृहस्थाश्रम द्वारा जीवन धारा को बदलने की पर्याप्त सुविधा रहती है। यह कभी पतन का साधन नहीं बनता, इसके द्वारा सर्वथा उठने की सुविधा रहती है। दूसरी प्रवृत्तियों में उठने की कोई सुविधा नहीं रहती, केवल ज्ञान का आश्रय लेना पड़ता है जो अंत में फिसलने वाला भी होता है। गृहस्थाश्रम में भी तुम्हें कोई बंधन नहीं है, उसमें रहकर भी तुम अपनी साधना का व्रत पूरा कर सकते हो। शौनक ने अपने गुरु की आज्ञा सिर पर धारण कर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने का विचार निश्चित कर लिया और दूसरे दिन समावर्तन संस्कार में दीक्षित होकर गुरु, गुरुपत्नी और अपने प्रिय साथियों से विदा लेकर अपने पिता के पुर की ओर प्रस्थान कर दिया। गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर शौनक ने सभी लौकिक सुखों का वर्षों तक उपभोग किया, पर उसकी साधना में कभी बाधा नहीं पड़ी। धीरे धीरे उसके वृद्ध पिता माता काल धर्म को प्राप्त हुए, वह भी पिता बना और पिता होने के साथ ही अपने पिता की समस्त लौकिक प्रतिष्ठाओं का भोक्ता हुआ। यहाँ तक कि लोग उसे भी महासाल शौनक के नाम से जानने और सुनने लगे। गुरु का ब्रह्मचारी शौनक महासाल होकर भी उसी तरह जीवन का तत्व ढूंढने में लगा रहा। उसे कभी लौकिक सुख साधनों में ऐसी आसक्ति नहीं हुई जो उन्हीं को साध्य मान बैठता। प्रतिदिन उसके द्वार पर कोई न कोई अतिथि अभ्यागत उतरे रहते और वह तन मन धन से उनके स्वागत समादर में लगा रहता। एक दिन संध्या के समय शौनक किसी विचार में डूबा हुआ था, अपने द्वार पर अकेला बैठा था कि सामने से उसे महर्षि अंगिरा आते हुए दिखाई पड़े। महर्षि अंगिरा अपने समय के सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी और वीतराग महात्मा थे। उनको इस तरह अपने द्वार पर उपस्थित देखकर शौनक ने अपने भाग्य को सराहा और झट से उनके समीप जाकर दंडवत प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने आशीर्वाद देते हुए शौनक से पूछा, सौम्य, इस त्रिगर्त जनपद में एक सुनक नाम का गृहस्थ ब्राह्मण रहता था, उसका निवास गृह कौन सा है? मैं आज उसी के यहाँ रात बिताना चाहता हूँ। शौनक अंगिरा को बहुत दिनों से जानता पहचानता था, बिना स्वर में हाथ जोड़कर बोला, भगवान, उन्हीं स्वर्गीय सुनक का मैं पुत्र हूँ, यही सामने मेरा घर दिखाई पड़ रहा है, चलकर कृतार्थ करें। सुनक को स्वर्गीय सुनकर भी अंगिरा को कोई शोक या विस्मय नहीं हुआ। आगे आगे चलते हुए वह बोले, वत्स, अपने योग्य पिता का पथ कभी न भूलना, काल की गति अवाध है, उसी एक पर दृष्टि रखना, जिसे प्राप्त कर लेने पर कुछ भी प्राप्त करने लायक नहीं रह जाता, और उसी एक तत्व को जानने का सदा प्रयत्न करना, जैसे जान लेने पर कुछ दूसरा जानने लायक नहीं रह जाता। तुम्हारा पिता अपनी इस साधना में बराबर विनत रहा, निरंतर लगा रहा, तुम भी लगे रहना। शौनक को अंगिरा की ब्रह्मनिष्ठा और उपासना की परिपाटी दोनों ज्ञात थी। अपने गुरु के मुख से कई बार वह सुन चुका था कि अंगिरा को वह ब्रह्म विद्या अवगत है जो लोक पितामह प्रजापति स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को विदित है। उसके गुरु ने यहाँ तक बताया था कि भगवान ब्रह्मा ने अपनी उस परम गोपनीय विद्या को केवल अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को बतलाया था। अथर्वा ने अपने योग्य शिष्य अंगिरा को उसकी दीक्षा दी थी। अंगिरा ने अपने अनुपम शिष्य भरद्वाज गोत्रीय सत्यवाह नामक ऋषि को समझाया था। उसी सत्यवाह नामक ब्रह्म व्यक्ता ऋषि के अनुपम मेधावी और लोकेशनाक से सर्वदा विरक्त रहने वाले शिष्य अंगिरा थे। अंगिरा को छोड़कर इस संसार में किसी दूसरे को वह श्रेष्ठ विद्या मालूम नहीं थी, इसलिए जब दैव योग से भटकते हुए अंगिरा को शौनक ने अपने द्वार पर देखा तो यह समझ गया कि अब मेरी वह चिरकामना पूरी होगी। दैव इच्छा से संभवतः इसलिए वह आज इधर आ पड़े हैं। इस प्रकार के सात्विक भावों के प्रवाह में बहता हुआ शौनक महर्षि अंगिरा के आतिथ्य सत्कार में तन मन से जुट गया। उसने अपने ही हाथों से उनके चरण धोए और संध्या पूजन आदि के समारंभ में सहयोग किया। जब तक वह भोजन आदि से
निवृत्त होकर सुस्थिर चित्त हो नहीं बैठ जाए तब तक स्वयं उनकी जरूरतों में दौड़ता रहा। रात्रि में अंगिरा की आज्ञा से स्वयं भोजन आदि से निवृत्त होकर सौनक उनके समीप उपस्थित हुआ और कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद विनय भरे स्वर में हाथ जोड़कर बोला, भगवान मेरा अपराध क्षमा किया जाए, मैं एक याचना करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से आपकी तलाश में था, आज सौभाग्य से आप स्वयं हमारे यहाँ पधारे हैं। निश्चय ही मेरी यह चीर इच्छा पूरी करने के लिए आपका पदार्पण हुआ है। अंगिरा कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोले, भद्र क्या चाहते हो? सौनक ने विनीत स्वर से कहा, महर्षि संध्या समय आपने जिस एक तत्व को जानने की और प्राप्त करने की बात की है उसी को मैं जानना चाहता हूँ, यही मेरी विनीत प्रार्थना है। अंगिरा बड़ी देर तक मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, भद्र सौनक उस एक तत्व का ज्ञान प्राप्त करना सरल काम नहीं है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ऐसा पदार्थ है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। सौनक धीर गंभीर स्वर में हाथ जोड़कर बोला, पूज्य महर्षि उस परम गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करने की साधना में मेरे जीवन के कितने दिन बीत गए, मैं समझता हूँ कि मैंने उसे प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर ली है। आप उस दान ज्ञान ज्ञान दान की पात्रता की परीक्षा ले लें। अंगिरा जैसे अनुभवी को यह समझने में देर नहीं लगी कि सौनक की ज्ञान पिपासा कितनी सत्य और अपरिहार्य है। ऐसे सच्चे जिज्ञासु को विचलित नहीं किया जा सकता, पर इतनी शीघ्रता से किसी को ऐसे परम गोपनीय ज्ञान का दान करना भी हानिकारक होता है। थोड़ी देर तक सोच विचार कर लेने के बाद वह बोले, भद्र सौनक तुम्हारे जैसे साधना निरत के लिए ही उस ज्ञान की उपयोगिता है, पर मैं समझता हूँ कि इसके लिए तुम्हें अभी थोड़े दिन तक और प्रतीक्षा करनी होगी। सौनक से अपनी बेचैनी छिपाई नहीं जा सकी, हाथ जोड़कर वह बोला, भगवान कितने दिनों तक अभी मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके लिए किस साधना की आवश्यकता है, कृपया आप अवधि और साधना के प्रकार का स्पष्ट निर्देश कीजिए। मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय उसी परम गोपनीय ज्ञान की प्राप्ति है जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। अंगिरा बोले, वत्स उसके लिए तुम कम से कम एक वर्ष का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत रखो और आत्म तत्व के निश्चय में लगे रहो, उसके बाद मेरा पता लगाते रहना, वहीं आ जाना। मैं जब देखूंगा कि तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है तब उस ज्ञान का उपदेश तुम्हें करूंगा। सौनक मान गया। रात में वह इसी विचारों में उलझा रहा कि आखिरकार इतने दिनों बाद वह और भी इतने समीप आ ही गई। सवेरा हुआ, महर्षि अंगिरा ब्रह्म मुहूर्त में ही सौनक को सूचित कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। जाते समय सौनक ने विनीत स्वर में अपनी याचना को दोहराया। अंगिरा ने कहा, वत्स मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया। अखंड ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए सौनक अपनी साधना में निरत रहा। मन समेत इंद्रियों को बस में कर वह संतोष और शांति के समीप पहुंच गया, पर उस परम तत्व को जानने की इच्छा उसमें उग्र से उग्रतर होती गई, जिसे जानकर संसार में कुछ भी जानने योग्य पदार्थ नहीं रह जाता है। एक निश्चित दिन से गृहस्थी का भार परिवार के ऊपर छोड़कर वह अंगिरा की खोज में घर से बाहर निकला। अनेक वर्ष गृहस्थाश्रम में सुखपूर्वक बिता लेने के बाद भी उसमें वहीं बाल सुलभ श्रद्धा और निश्चल गुरु भक्ति थी। कंधे पर मृग चर्म और हाथ में पलाश की संविधाओं को लेकर वह विनीत बटुवेश में एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में अंगिरा का पता लगाने लगा। उस समय महर्षि अंगिरा बद्री वन में विराज रहे थे। साधक सौनक उनका पता लगाते हुए वहां पहुंच गया, यथाविधि प्रणाम आदि कर वह उनके समीप ही बैठ गया। उस समय अंगिरा कुछ दूसरे मुनियों के साथ
किसी शास्त्री गुत्थी को सुलझा रहे थे। शास्त्रार्थ से निवृत्त होकर अंगिरा ने शौनक का ऋषियों से परिचय कराया और कुशल मंगल की बातें पूछी। शौनक ने संक्षेप में अपना सारा हाल बतलाया और अपनी एक वर्ष की अवधि बीत जाने का स्मरण दिलाते हुए कहा, महर्षि, मैं आपके आदेशानुसार आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अंगिरा ने बात का प्रसंग बदलते हुए कहा, वत्स शौनक, तुम बहुत दूर से आए हुए हो, चलकर विश्राम करो। मैं भी अब कुछ विश्राम लूंगा, कल प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हमारी बातें होंगी। अंगिरा का रुख समझकर वहां बैठे हुए ऋषि वृंद उठ उठकर अपने अपने आश्रम की ओर चले गए। शौनक एक अंतेवासी के साथ अपने भोजन आदि के प्रबंध में लग गया। अंगिरा वहीं अपने आसन पर बैठे बैठे बड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उठकर अकेले ही आश्रम में इधर उधर घूमने लगे। दूसरे दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर शौनक अंगिरा के समीप गया। उस समय अंगिरा अकेले ही अपने आसन पर विराजमान थी। शौनक ने यथाविधि प्रणाम कर निवेदन किया, गुरुदेव, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अंगिरा ने कहा, वत्स, तुम उस परम ज्ञान को जानने के अधिकारी हो गए। मैं उस परम गोपनीय विद्या का रहस्य तुम्हें बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इतना कहकर अंगिरा चुप हो गए और शौनक सावधान मन, निश्चल इंद्रियों और व्यवस्थित मुद्रा में बैठकर उस परम गोपनीय रहस्य को हृदयंगम करने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा, फिर महर्षि अंगिरा चारों ओर एक बार दृष्टि फेर कर धीर गंभीर स्वर में बोले, वत्स शौनक, विद्या दो प्रकार की होती है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। जिस विद्या के बल से परमात्मा के स्वरूप के विषय में अथवा उस परम तत्व के संबंध में ज्ञान लाभ होता है तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है, उसे परा विद्या कहते हैं। और जिस विद्या के द्वारा सांसारिक धन सम्मान अथवा सुखाद की प्राप्ति के लिए विज्ञान अथवा क्रियाओं का अनुष्ठान किया जाता है और ऐहिक उन्नति की प्राप्ति की जाती है, वह अधर्म, पुण्य और बदलाने वाली विद्या अपरा विद्या है। शौनक ने विनीत स्वर में निवेदन किया, भगवान, इन दोनों विद्याओं को कृपया नाम लेकर अलग अलग बतलाइए। मैं तो अभी तक समझता था कि किसी भी विद्या के द्वारा ऐहिक और पारलौकिक सिद्धि मिल सकती है, इसलिए आपकी इस व्याख्या को ग्रहण करने में मुझे कुछ कठिनाई हो रही है। अंगिरा बोले, भद्र, पहले मैं अपरा विद्या को अलग से नाम लेकर बतला रहा हूँ, उसके बाद तुम परा विद्या को अपने आप समझ जाओगे। सुनो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में निर्दिष्ट यज्ञ, हवन आदि कर्मकांड की रीति बतलाने वाले कल्प, वेदों के अध्ययन और उच्चारण आदि का ढंग बतलाने वाली पाणिनि आदि, व्याकरणों की बनाई गई शिक्षा, शब्द की शुद्धि अथवा स्वरूप निश्चित करने वाले व्याकरण, वेदों के कठिन शब्दों के अर्थ बतलाने वाले निरुक्त, वेदों में संकलित गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप आदि छंदों का भेद बतलाने वाला पिंगल का छंद शास्त्र तथा वैदिक एवं लौकिक कर्मों के करने का निश्चित समय बतलाने वाला एवं ग्रह नक्षत्रों की गति विधि तथा स्थिति का परिचय कराने वाला ज्योतिष शास्त्र, या छह वेदों के अंगभूत शास्त्र तथा धनुर्विद्या, आयुर्वेद आदि उपवेद एवं समस्त इतिहास, पुराण आदि उसी अपरा विद्या के अंतर्भूत है, जिसके द्वारा केवल इस लोक में श्रेय की प्राप्ति होती है। यह सभी विद्या कर्मकांड, उपासना और लौकिक सुख साधनों के लिए है। इसके अतिरिक्त जिस विद्या से हमें ब्रह्म अर्थात परम तत्व का ज्ञान होता है, वह परा विद्या है। शौनक को संदेह हुआ, वह विनीत स्वर में बोला, भगवान, क्या वेदों और शास्त्रों के विधिवत अध्ययन और परिचिलन करने से भी उस परम तत्व का ज्ञान नहीं होता? अंगिरा बोले, सौम्य, इन वेदों शास्त्रों के परिचिलन एवं चिंतन से अविद्या दूर नहीं होती, इनके अध्ययन से सांसारिक विषय का ज्ञान अवश्य होता है, परंतु इस दुखमय
संसार से जन्म जरा मृत्यु का भय इनसे नहीं छूट सकता। यह सभी शास्त्र लौकिक समुन्नति के साधक हैं। इस संसार में उत्पन्न होकर 100 में से 90 से भी अधिक मनुष्य धन मान विभव वैभव एवं ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेते हैं। वह न तो परलोक की कुछ बातें जानते हैं और न जानना चाहते हैं, पर उन सब को यह उक्त अपरा विद्या मालूम रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके सहारे उस परम तत्व की प्राप्ति कुछ कठिन होती है, पर सर्वथा असंभव भी नहीं है। किंतु इसके विपरीत पराविद्या की साधना लौकिक विषयों में ग्रस्त नहीं होने देगी। वह निश्चय ही अपने साधक को मुक्ति मार्ग का पथिक बनाती है। ब्रह्म की प्राप्ति उसी से संभव है। हे सौनक, उस परम तत्व का दर्शन केवल परम धैर्यशाली विवेकी पुरुष ही कर सकते हैं। वह अदृश्य है, आँख आदि इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता। उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, न उसका कोई वर्ण है, न कोई रूप है। आँख कान हाथ पैर आदि से रहित समस्त विश्व उसी के वश में है। वह सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थ में उसकी सत्ता रहती है। आकाश आदि 5 महाभूतों का कारण वही है। उस कभी नाश न होने वाले ब्रह्म का ज्ञान उसी पराविद्या से संभव है। अपराविद्या की उपासना में लगे रहने वाले उस सर्वव्यापी सत्ता की अनुभूति न कर सकने के कारण देवता नामक स्वतंत्र वस्तु के उद्देश्य से परलोक में अपने सुखाद की कामना करके विविध प्रकार के यज्ञ हवन आदि में लगे रहते हैं। किंतु मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि यज्ञ हवन आदि के करने वाले भ्रांत हैं। वे एकदम संसार के सुख भोग में निरत रहने वाले से तो अच्छे ही होते हैं। सांसारिक विषय भोग के कीट स्वार्थरत काम क्रोधाद के दासों से इनका जीवन अधिक सुख शांतिमय होता है, क्योंकि इनकी सत्य क्रियाओं को करते करते इनका चित्त अधिकाधिक शुद्ध होता जाता है और कुछ काल के अनंतर इनमें ब्रह्म की सत्ता की अनुभूति होना संभव हो जाता है। सौनक ने कहा, महर्षि, इस यज्ञ हवन आदि सत्य क्रियाओं की पद्धति किस प्रकार फैली, जबकि इनके द्वारा परम तत्व की प्राप्ति में विलंब और बाधा होने की संभावना रहती है। मैं इसे जानना चाहता हूँ, कृपया स्पष्ट करके बताइए। अंग्रया बोले, सौम्य सौनक, इन यज्ञ हवन आदि के अनुष्ठानों की पद्धति वशिष्ठ आदि ऋषियों के द्वारा ऋषियों के हृदय में ज्ञान दीप के योग से ही प्रकाशित हुई थी। इनका उद्भव लोकेशणा में निरत रहने वालों के उद्धार की कामना से ही हुआ है। जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ, इन यज्ञ हवन आदि के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति में कठिनाई होती है, क्योंकि यह सब कामना मूलक कर्म है। परलोक में सुखादि की कामना से ही अधिकांश लोग इसमें प्रवृत्त होते हैं। अनुष्ठान पद्धति के मंत्र निरर्थक नहीं है। जिन लोगों का चित्त सुखभोग की लालसा के प्रभाव को पराजित नहीं कर सका, जिनकी बुद्धि में यज्ञानुष्ठान द्वारा स्वर्ग प्राप्ति करना ही परम पुरुषार्थ है, जिनका चित्त अंत तक भी निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म वस्तु की धारणा के योग्य नहीं हुआ है, उन्हीं लोगों के लाभार्थ उन्हीं के चित्त शुद्धि के अभिप्राय से अनेक प्रकार के यज्ञों की अनुष्ठान पद्धति प्रचलित हुई है। इसी का नाम है कर्मयोग अथवा कर्म मार्ग। जिनके मन से भोग लालसा दूर नहीं हुई है, जो अपने कर्मों के फल की कामना रखते हैं, उन्हीं के लिए इस कर्म मार्ग की उपयोगिता है। इसके फल स्वरूप अंत में स्वर्गलोक को प्राप्ति होगी। यह बातें तुमने श्रुतियों से भी जानी होगी। सौनक ने कहा, भगवान, इन यज्ञ हवन आदि से स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार होती है और इसे ज्ञान मार्ग से निकृष्ट क्यों कहा जाता है, इसे कृपा कर समझा कर बताइए। अंग्रया बोले, सौम्य, काली कराली मन के वेग के समान शीघ्र जाने वाली मनोजवा अतिशय लोहित वाल वर्ण की सुलोचना सुलोहिता धूमाविल होने के कारण सुधूम्रवर्ण चिंगारियों से युक्त होने के कारण स्फुलिंगिनी सब प्रकार की रूप वाली होने के कारण विश्वरूपी दिव्य अर्थात प्रदीप्त उज्ज्वल प्रकाशमयी देवी अग्नि
की यह 7 जिह्वाएं हैं या अर्चियां वेदों में वर्णित हैं। इन सब जीवों में यज्ञ की आहुतियाँ के जलने से मृत्यु के अनंतर यजमान इन्हीं अग्नि जिह्वाओं का सहारा लेकर चंद्र की किरणों का अवलंबन लेकर यथा योग्य स्वर्ग लोक पितृलोक को तैयार करता है। यज्ञ द्वारा इसी प्रकार से स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, किंतु वह जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यह सब कर्म विशुद्ध ज्ञान वर्जित होते हैं, अतएव इनका फल भी ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट होता है। ऐसे कर्मों के आचरण से संसार बंधन सदा के लिए नहीं छूटता, क्योंकि कर्मों के फल का क्षय होते ही जीव को फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस प्रकार बार बार जन्म जरा और मृत्यु के जाल में फंसकर कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए यह सब यज्ञ हवन आदि अदृढ़ अर्थात विनश्वर कहे जाते हैं। एक अंधा जैसे दूसरे अंधे की लाठी पकड़कर पथ प्रदर्शन करने चलता है और फिर दोनों ही किसी अंधेरे अनजान गड्ढे या कुएं में गिरकर दुख उठाते हैं, उसी तरह इन यज्ञों के कराने वाले अज्ञान समुद्र में स्वयं डूबते उतराते यजमान को ही ले डूबते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति केवल इस लोक में कुआं तालाब बावली आदि का निर्माण कराकर विषय सुख समृद्धि की कामना करते हैं और उससे बढ़कर संसार में कोई भी श्रेय मार्ग नहीं समझते, वह भी उसी तरह के मूढ़ और अज्ञानी होते हैं। हे सौनक, ये दोनों प्रकार के अज्ञानी विविध प्रकार की योनियों में घूमते हुए पराधीनता का घोर दुख उठाते हैं। ज्ञान से वर्जित कर्मानुष्ठान का यही दुखदायी फल होता है। ऐसे कर्मानुष्ठान में निरत व्यक्तियों का नाम केवल कर्मी है, किंतु इनमें भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल कर्मी नहीं होते, उनका चित्त कर्मकांडियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। चित्त के अधिक शुद्ध होने के कारण ब्रह्म विज्ञान की और उनकी रुचि होने लगती है। आगे चलकर स्वतंत्र रूप से देवोपासना करना ही जब उनका उद्देश्य नहीं रह जाता, तब उनके चित्त में क्रमशः ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होने लगती है। ऐसे लोग ज्ञान विशिष्ट कर्मी कहे जाते हैं। ब्रह्म सत्ता के बिना किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। देवताओं की सत्ता भी ब्रह्म सत्ता के ऊपर ही अवलंबित है, यह तत्व उनकी समझ में आ जाता है, किंतु उस स्थिति में भी पूर्ण ब्रह्म के स्वातंत्र का तत्व पूर्ण रीति से उनके चित्त में प्रस्फुटित नहीं होता। अतियो बाहर के सभी अनुष्ठान भी उनके मन से नहीं हटते और वे पूर्ण भावनात्मक यज्ञ के निरत भी नहीं होते, किंतु सर्वत्र ब्रह्म दर्शन के अभ्यास में निरत रहने वाले अनुष्ठान में ऐसे ज्ञान विशिष्ट साधक भी बहुत उच्च कक्षा के होते हैं। शरीर छूटने पर ये उत्तरायण में सूर्य किरणों के आश्रय से ब्रह्मलोक को पहुंच जाते हैं। वहां ज्ञान की परिपूर्णता के कारण भूल कर भी कभी ब्रह्म से भिन्न किसी सत्ता का वे अनुभव नहीं करते और इस शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इससे भी उच्च कोटि के वे साधक हैं जो गृहस्थाश्रम में रहकर सर्वत्र ब्रह्म सत्ता के अनुभव का अभ्यास करते हैं और उसके हिरण्यगर्भ एवं विराट स्वरूप को धारण करते हैं। वानप्रस्थ होकर ब्रह्म साधना में लीन होकर भिक्षावृत्ति से जीवन धारण कर इंद्रियों समेत मन को जीत कर आत्मस्थ रहते हैं, अथवा जो केवल सुदृढ़ ब्रह्मचर्य का पालन कर ब्रह्म साधना में दत्त चित्त रहते हैं, वह विशिष्ट कर्मी कहलाते हैं। वह शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और कभी लौट कर मृत्यु लोक में नहीं आते। इतना उपदेश कर चुकने के बाद अंगिरा ने फिर कहा, प्रिय दर्शन सौनक, आज मैंने तुम्हें अपरा विद्या के बारे में बतलाया है, अब जाकर इसका चिंतन करो। कल तुझे उस परा विद्या का परिचय कराऊंगा जिसके लिए तुम इतने परेशान होकर मेरे पास आए हो। सौनक ने अंगिरा के चरण रज को लेकर अपने मस्तक पर लगाया और हाथ जोड़कर गदगद स्वर में कहा, महर्षि, मुझे आपके इस उपदेशामृत से परम शांति सुख और संतोष की प्राप्ति हो रही है, अब तो निश्चय ही मेरा जीवन सार्थक हो गया। दूसरे दिन ठीक उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर सौनक जब अंगिरा के पास पहुंचा, तब वह फिर आत्मचिंतन में समाधिस्थ होकर विराजमान थे।
उनकी लंबी जटा का जूट बिना किसी क्रम के मृगचर्म पर बिखरा हुआ था। आंखें बंद थी और सारा शरीर पद्मासन की मुद्रा में अवस्थित था। थोड़ी देर बाद अंगिरा की समाधि स्वयं टूटी। उन्होंने देखा कि समित पाणी सौनक प्रफुल्ल मन से उनके चरणों के समीप बैठा हुआ। मुस्कुराते हुए अंगिरा ने पूछा, भद्र सौनक, तुम देर से आ गए थे क्या? सौनक ने विनीत स्वर में कहा, नहीं गुरुदेव, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया हूँ। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अंगिरा ने एक बार शून्य आकाश की ओर देखकर सौनक की ओर आंखें फेरी और धीर गंभीर स्वर में कहा, प्रियदर्शन सौनक, आज मैं तुझे उसी पराविद्या के बारे में बतलाऊंगा, ध्यान देकर सुनना, जिसके द्वारा उस परम तत्व का वास्तविक स्वरूप जाना जाता है, वही पराविद्या है। यह तो मैं कई बार बता चुका हूँ। ब्रह्मज्ञानी लोग इस ब्रह्म वस्तु का निर्देश अक्षर शब्द से करते हैं। माया शक्ति से युक्त ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है। श्रुति में माया शक्ति का नाम अक्षर शक्ति भी कहा गया है। यह अक्षर माया शक्ति वास्तव में ब्रह्म की सत्ता से पृथक वस्तु नहीं है। इस अक्षर शक्ति से समन्वित होने के कारण ब्रह्म भी अक्षर कहा जाता है। पंडित लोग इस अक्षर पुरुष या ब्रह्म को भूत योनि अर्थात सभी पृथ्वी जल आकाश आदि भूतों का कारण मानते हैं। उसी अक्षर ब्रह्म से ही सब भूत उत्पन्न हुए हैं, किंतु उस अक्षर ब्रह्म को हमारी इंद्रियां कभी पकड़ नहीं सकती हैं। उसका कारण बतला रहा हूँ, सुनो। मनुष्य की इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, कुछ तो केवल काम करती हैं और कुछ केवल ज्ञान प्राप्त करती हैं। आँख कान नाक जीभ और चमड़ी, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय और हाथ पैर बाणी आदि पांच कर्मेंद्रिय हैं। इन सब इंद्रियों के अलग अलग ग्राह्य विषय होते हैं, अर्थात यह सब केवल अपने अपने विषय को ग्रहण कर सकती हैं। आँख का काम नाक या नाक का काम चमड़ी नहीं कर सकती है। आँख केवल रूपात्मक विषयों को ग्रहण कर सकती है और नाचिका केवल गंध को पकड़ सकती है, अर्थात यह सब काम चमड़ी आदि दस विषयों शब्द स्पर्श आदि को ही ग्रहण कर सकती है। किंतु जो अक्षर पुरुष इन शब्द स्पर्श आदि सभी विषयों का कारण है, उसको ये किस प्रकार ग्रहण कर सकती हैं? ये इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, केवल विषय वर्ग को ही पकड़ सकती हैं। जो सब विषयों का परम सूक्ष्म कारण बीज है, उसको नहीं ग्रहण कर सकती हैं। इस अक्षर पुरुष का कोई दूसरा मूल बीज अथवा कारण नहीं है। कारण की सत्ता अपने कार्य में अनुगत या अनुसीयत रहती है। कारण रूपी ब्रह्म की सत्ता कार्य रूप जगत में अनुगत रहती है। उस अक्षर पुरुष का कोई धर्म भी नहीं है, क्योंकि शुक्लत्व स्थूलत्व आदि धर्म किसी न किसी द्रव्य अथवा पदार्थ के होते हैं। ब्रह्म वैसा कोई द्रव्य अथवा पदार्थ तो है नहीं। इसी तरह वह रूप और नाम से भी विहीन है। न उसको कोई उसकी कोई इंद्रिय है, न वह ग्राह्य है, न ग्राहक है। इसलिए इस विनाशशील जगत का वह आदि कारण नित्य और अविनाशी है और आकाश की तरह सर्वत्र और सर्वदा व्यापक है। उसे ही अव्यय भी कहा जाता है। इस स्थूल जगत में हम लोग जिसको कारण या कार्य करने वाले के रूप में जानते हैं, उसके लिए भी स्थूलता का तारतम्य सोचते हैं, किंतु वह इस स्थूल जगत का कारण है। इसलिए जगत की कोई वस्तु उसकी उपमान नहीं हो सकती। वह तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, निर्वय और अविनाशी है। वह निर्गुण है, अर्थात उसमें गुणों की क्षय वृद्धि नहीं होती। उसी निर्वय निर्गुण निर्विकार एवं अविनाशी अक्षर पुरुष से इस सावयव सगुण सविकार और विनश्वर जगत की उत्पत्ति होती है। जैसे मकड़ी बाहर से किसी अन्य वस्तु का आश्रय न लेकर अपने शरीर से ही अपने जाले के ताने बाने की सृष्टि करती है, ये तागे या तंत उसके शरीर से अलग कोई भिन्न वस्तु नहीं होते। इनका एकमात्र उपादान उसका शरीर ही होता है और फिर निज शरीर से तंतुओं को निकालकर फिर उन्हें अपने ही शरीर में प्रविष्ट कर लेती है, अर्थात
तंतुओं को शरीर रूप में बदल लेती है, उसी प्रकार वह अक्षर पुरुष की समस्त जगत की सृष्टि करता है और अंत में फिर अपने रूप में धारण कर लेता है। उसके स्वरूप के अतिरिक्त यह कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जैसे पृथ्वी से वृक्ष, लताएं, सब अस्थावर पदार्थ उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के ही रूपांतर अथवा अवस्था भेद माने जाते हैं, इसी प्रकार यह जगत भी उस पुरुष का ही रूपांतर अवस्था भेद है, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। यदि तुम यह कहो कि इस अचेतन अथवा जड़ जगत का कारण भी अचेतन और जड़ ही होगा, तो उसके बारे में मेरा यह दृष्टांत ग्रहण करो। जिस प्रकार चेतन जीव से नितांत भिन्न अचेतन केश, लोम, नखाज उत्पन्न हुआ करते हैं और हम इसे प्रतिदिन देखा करते हैं, उसी प्रकार अक्षर और चैतन्य पुरुष से यह विनाशी और जड़ जगत उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस रूप में यह जगत उससे एक विभिन्न पदार्थ भी होता है, तभी देखा जाता है कि यह विश्व उस अक्षर चैतन्य पुरुष से न तो नितांत भिन्न है और न नितांत अभिन्न है। निमित्त कारण रूप से वह जगत से स्वतंत्र और भिन्न है तथा उपादान कारण रूप से अभिन्न और अस्वतंत्र है। सौनक ध्यान पूर्वक अंगिरा के उपदेशामृत का पान कर रहा था। जड़ जगत के कारण अक्षर ब्रह्म की इस परिभाषा को सुनकर उसे फिर शंका हुई और वह विनिश्वर में हाथ जोड़कर बोला, भगवान, उस अक्षर चैतन्य पुरुष से किस प्रणाली या रीति से यह विश्व अभिव्यक्त हुआ, मुझे कृपा करके यह बतलाइए। अंगिरा बोले, सौनक ध्यान पूर्वक सुनो, मैं इस जड़ जगत की उत्पत्ति की प्रणाली बतला रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व काल में उस अक्षर पुरुष अथवा ब्रह्म को सृष्टि करने की कामना अथवा इच्छा हुई। जिस प्रकार अंकुर फूटने से सब जीव कुछ मोटा अथवा पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म चैतन्य भी इस सृष्टि करने की कामना से कुछ उपचित व परिपुष्ट हो उठता है। उसको यह ज्ञान होता है कि यह मैं बहुत रूपों में प्रकट हूँ और इस प्रकार उसकी चेतना द्वारा विश्व की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। उस अव्यक्त शक्ति की पहली सूक्ष्म अभिव्यक्ति का नाम हिरण्यगर्भ है। सृष्टि कामना से यह हिरण्यगर्भ या स्पंदन स्थूल आकार धारण करता है। सूक्ष्म स्पंदन की इस स्थूल अभिव्यक्ति का नाम विराट भी है। सबसे पहले अन्न की उत्पत्ति होती है, फिर अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से पांचों महाभूत, महाभूतों से समस्त लोक, लोक से कर्मजाल तथा कर्मजाल से अनेक शुभाशुभ फल उत्पन्न होते हैं। उस सर्वज्ञ सर्वविद परम ब्रह्म से ही जिसका तप ज्ञानमय है, सृष्टि के समस्त नाम रूपों के भेदोपभेद प्रादुर्भूत होते हैं। उसी से यहाँ खारा समुद्र और अतिशय ऊंचे पर्वत की ही उत्पत्ति होती है। चारों दिशाओं में दौड़ने वाली नदियाँ, विविध प्रकार की औषधियाँ, उद्भिद एवं सब प्रकार के रसों का भी वही उत्पत्ति करता है। वह ब्रह्म ही इस जगत रूप से स्थित है, वही सब कुछ है। ज्ञान और तप की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ज्ञान विहीन केवल कर्मी जन तप का आश्रय लेते हैं और ज्ञानी जनों का साधन ज्ञान है। यह भी उसी का रचा हुआ विधान है। जो भाग्यशाली अपने हृदय में जीवात्मा के सहित भिन्न भाव से परम अमृत स्वरूप उस ब्रह्म पदार्थ का अनुभव करते हैं, उनके हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं और वे जगत के समस्त बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। सौनक ने कहा, भगवान, अब कृपया उस ब्रह्म की प्राप्ति के कुछ सरल उपाय बताइए। अंगिरा बोले, भद्र, उस ब्रह्म को प्राप्त करने का उत्तम साधना में लीन रहने वाले नित्य ही ब्रह्म के उक्त स्वरूपादि के विचार में प्रवृत्त रहेंगे। वह विनाशी ब्रह्म स्वयं अपनी ज्योति से सर्वत्र प्रकाशमान है, उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वह सभी प्राणियों के अंतर की बातें जानता है। वह हृदय रूपी गुहा में शयन करता है। बुद्धि रूप गुहा में वह आत्मा चैतन्य बुद्धि की विविध वृत्तियों के संसर्ग से ज्ञानाकार में प्रकाशित होता है। उसी के प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशित होता है। उसके प्रकाश के बिना जगत में प्रकाश का होना सर्वथा असंभव है। समस्त जगत की उत्पत्ति का मूल उपादान या कारण जो माया शक्ति है, वह भी उसी में अधिष्ठित है। जैसे पहिए के आरे रथ की नाभि में प्रविष्ट रहते हैं, वैसे ही सब पदार्थ उसमें प्रविष्ट रहते हैं। उड़ने वाले पक्षी, पशु, मनुष्य, वृक्ष, लता, गुल्म, अस्थावर, जंगम,
सभी वस्तुएं ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं। जगत में अव्यक्त सत और असत, सूक्ष्म और स्थूल, मूर्त और अमूर्त सभी वस्तुएं उसी में प्रतिष्ठित हैं। इन समस्त वस्तुओं की सत्ता तथा स्फूर्ति ब्रह्म की ही सत्ता तथा स्फूर्ति पर निर्भर है। जगत में जितने सब दीप्तिमान सूर्य आदि पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उसी की दीप्ति से दीप्ति पा रहे हैं, वही एकमात्र जानने योग्य है। हे सोम्य, उसे तुम जानने का प्रयत्न करो। उपनिषदों में बताए गए ज्ञान के महास रूप धनुष को धारण करके उपासना द्वारा शान पर चढ़ाए गए बाण उस पर चढ़ाओ और उसी ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर एकाग्र चित्त से उसी का भेदन करो। उस उपनिषद में वर्णित प्रणव अर्थात ओंकार ही धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। एकाग्र मन और शुद्ध अंतःकरण से उस लक्ष्य को भेदते हुए बाण के समान ही उसमें तन्मय और तद्गत होना पड़ता है। अर्थात जिस तरह बाण अपने निशाने के भीतर घुस जाता है उसी प्रकार साधक को चाहिए कि वह ब्रह्म में लीन होने का प्रयत्न करे। जिस परमात्मा तत्व में स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष समस्त प्राण और मन यह सब जुड़े हुए हैं केवल उसी को ढूंढने और प्राप्त करने का यत्न करो। अन्य समस्त विषयों को के ज्ञान छोड़ दो। केवल वही परमात्मा तत्व मोक्ष के लिए साधक और इस भवसागर के संतरण के लिए महान है, सुदृढ़ सेतु रूप है। वह सब कुछ जानने वाला है, उसके भीतर और बाहर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी महिमा सर्वत्र समस्त लोकों में फैली हुई है। वह दिव्य ज्योतिर्मय हृदय रूपी ब्रह्म नगर में विराजमान और समस्त आकाश में व्याप्त है। वह मनोमय है, समस्त विश्व में जो कुछ भी प्रकाशित या प्रकट हो रहा है सब समस्त सब उसी के आनंद और अमृत स्वरूप का परिचायक है। धीर विद्वान लोग ज्ञान द्वारा उसके उस अनंत व्यापी रूप का दर्शन पाते हैं। उस कारण और कर्म रूप ब्रह्म के दर्शन हो जाने से सभी संशय दूर हो जाते हैं और हृदय की गांठें खुल जाती हैं। समस्त किए गए शुभाशुभ कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं और साधक को अक्षय मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धि ही उस परम आत्मस्वरूप की उपलब्धि का साधन है। इसी बुद्धि को ज्योतिर्मय या विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसी कोश में सब प्रत्येक विज्ञानों के साक्षी रूप से आत्मा विराजमान है। इसी स्थान में ब्रह्म का अनुसंधान करना चाहिए। वह परम शुद्ध और सब प्रकार के प्रकाशों का प्रकाशक है। केवल आत्मज्ञानी ही जान सकते हैं। उसे न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा तारागण तो उसे क्या ज्योति प्रदान कर सकते हैं। अग्नि और बिजली के तेज की तो बात ही विकार है, वरन उसी के तेज से यह सब प्रकाशित होता है। वही अमृतमय ब्रह्म पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर सब जगह समान रूप से व्याप्त है। हे सौरभ, जीव और ईश्वर सदा साथ साथ मित्रता पूर्वक रहने वाले दो पक्षियों के समान है। इस शरीर रूपी एक ही आश्रय पर टिके हुए हैं। उनमें से एक जीव मोह से उत्पन्न सुख दुखमयी भावना रूपी फल को खूब स्वाद के साथ भक्षण करता है और दूसरा निर्लिप्त और निसंग भाव से रहकर फल को बिना भोगे ही अपने साथी के फल भोग का दृश्य देखता रहता है। भोग करने वाला जीव उस अपने आश्रय रूपी वृक्ष शरीर के प्रति आसक्त होकर काम क्रोध आदि की भावनाओं में निमग्न रहता है। वही सांसारिक विषय भोग में लिप्त होकर धन रत्न पुत्र पौत्र आदि को ही परम सत्य समझकर अज्ञान या अविद्या के कारण उनके प्रति ममत्व के भाव को छोड़ने में असमर्थ हो जाता है। और जब उनमें से किसी के विनाश या वियोग का अवसर देखता है तो शोक मग्न होकर विलाप करने लगता है। पर जब वही जीव अपने दूसरे साथी की महिमा को उसकी संग रहित शुद्धि बुद्धि की महिमा को देखता है तब शोक छोड़कर निश्चिंत हो जाता है। वत् सौनक, अब तुझे ब्रह्म प्राप्ति के सहायक कुछ अन्य सरल उपायों का हम बतला रहे हैं जिसे पर्याप्त सहायता मिलती है। सुनो, उसे पाने के लिए वचन भावना और आचरण से भी मिथ्या का परित्याग करना चाहिए। सर्वत्र सत्य पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा सत्य परायण होना चाहिए। यही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक है। वेद में इसी की महिमा गाई गई है। सत्य ही की सदा जय होती है, मिथ्या की कभी नहीं। सत्याचरण से ही मनुष्य के लिए देव मार्ग अमरत्व की प्राप्ति होती है।
देव मार्ग खुला रहता है। उसी देव मार्ग के द्वारा पूर्ण काम ऋषि लोग जिनकी समस्त तृष्णा शांत हो जाती है, जिनकी समस्त कामनाएं स्वतः विलीन हो जाती हैं, सत्य रूप ब्रह्म के परम धाम को प्राप्त करते हैं। तपस्या द्वारा भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों समेत अंतःकरण की एकाग्रता का नाम ही सच्ची तपस्या है। चित्त और इंद्रियों की चंचलता के कारण विषयों से आसक्ति नहीं छूटती और आसक्ति के रहते हुए कभी ब्रह्म की ओर ध्यान नहीं जाता। अतः सत्यनिष्ठ होने के बाद इंद्रियों समेत मन को वश में करने का यत्न करना चाहिए। इसके बाद सम्यक ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। सर्वत्र आत्मदर्शन का अभ्यास ही सम्यक ज्ञान है। इस आत्मदर्शन का फल यह होता है कि थोड़े ही दिनों में उस परम आत्मा से अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ का भान नहीं होता। पदार्थों की स्वतंत्रता का ज्ञान धीरे धीरे दूर हो जाता है। उस स्थिति में जहाँ कहीं देखी वहीं एक परम आत्मसत्ता दिखाई पड़ती है। ब्रह्मचर्य पालन भी ब्रह्म साधना का एक सरल उपाय है। ब्रह्मचर्य की रक्षा से वीर की वृद्धि होती है और ब्रह्मचर्य के द्वारा इंद्रियों समेत चित्त को वश में किया जा सकता है। इन उपर्युक्त साधनों की सहायता से चित्त का मल दूर हो जाता है और परिश्रमी साधक क्रमशः देह के मध्य बुद्धि गुहा में विराजमान ज्योति स्वरूप प्रकाशमय ब्रह्म का दर्शन कर कृतार्थ हो जाते हैं। चित्त में विषय कामना के बदले आत्मा कामना की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। वह भी ब्रह्मोपासना का ही एक परम सहायक साधन है। जब चित्त में सद्गुण बढ़ता है तब निर्मल चित्त में ब्रह्म से भिन्न किसी भी विषय की कामना नहीं उठती। उस स्थिति में वह सर्वत्र सर्वथा और सर्वदा ब्रह्म की कामना में ही ध्यान लगाए रहता है। यह आत्मलाभ जैसा कि पहले कह चुका हूँ शास्त्रों के अध्ययन आदि से नहीं प्राप्त होता। बड़ी प्रखर बुद्धि या सब शास्त्रों के अर्थ को धारण करने वाली शक्ति द्वारा भी आत्मलाभ नहीं हो सकता। बड़े बड़े शास्त्रार्थों से भी यह बात नहीं बन सकती। बहिर्मुख लोग तो सहस्रों बार ब्रह्मचर्या सुनकर भी उसको नहीं जान पाते। अतः इन सब बातों को भली भांत समझ बूझ कर साधक को अंतर्मुख होना चाहिए। उसी स्थिति में वह आत्मा और परमात्मा के अभेद को सहज ही में समझ सकेगा। बात यह है कि अविद्या वासना आदि के द्वारा आत्मा का यथार्थ तथार्थ स्वरूप आच्छादित हो जाता है। उसी अविद्या वासना को दूर कर दो फिर तो सर्वत्र आत्मा ही आत्मा दिखाई पड़ेगी। तुम निरंतर आत्म प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना भी ब्रह्मोपासना में एक प्रधान सहायक उपाय है। इस प्रकार की आत्मनिष्ठा की सामर्थ्य जिनमें नहीं है उन्हें कभी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। जिनका चित्त अपने वश में नहीं है, पुत्र पशु आदि गृहस्थ के झंझटों में उलझा रहता है, ऐसे लोगों को भी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। जिस पुरुष का चित्त सब प्रकार के विकारों से रहित होकर निर्मल और निष्कलंक हो गया है वह जिस जिस विषय की कामना करता है वह सब पूर्ण हो जाती है। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान का लाभ अवश्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति में आत्मबल नहीं है वह कुछ भी नहीं सिद्ध कर सकता। मद अथवा ज्ञान की तपस्या द्वारा इस आत्मा की प्राप्ति हो सकती। मद अथवा ज्ञान ही तपस्या द्वारा इस आत्मा की प्राप्ति ही नहीं होगी। अथवा जब आपको मद होगा, ज्ञान का मद हो जाएगा कि तपस्या का मद हो जाएगा तो आपको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सौनक बीच में ही बोल पड़ा। तपस्या की शक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। वह हाथ जोड़कर बोला, महर्षि क्या सच्ची तपस्या द्वारा उस आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती? तपस्या का प्रभाव तो निष्फल नहीं जाना चाहिए। अंगिरा ने कहा, वत्स सौनक, मैंने ज्ञानहीन तपस्या अर्थात ज्ञानहीन तपस्या जो ज्ञान के बिना तपस्या है, ज्ञानहीन तपस्या के लिए कहा है, उससे आत्म प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु जो ज्ञानी पुरुष आत्मबल अप्रमाद तथा ज्ञान हेतु तपस्या द्वारा साधना में निरत है, आत्मचिंतन में लगे हुए हैं, वह ब्रह्मधाम में प्रवेश करके आत्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन एक न एक दिन अवश्य प्राप्त करेंगे। उनकी तपस्या कभी निष्फल होने वाली नहीं होगी। ये साधना में निरत तपस्वी गण ब्रह्म स्वरूप का दर्शन पाकर सभी लालसाओं से रहित होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। वेदांत द्वारा प्राप्त किए
ज्ञान के निश्चय तत्व से परिचित और संन्यास योग द्वारा विशुद्ध चित्त होकर परम अमृत की प्राप्ति करने वाले वे तपस्वी शरीर को त्यागने के बाद ब्रह्मलोक में जाकर शाश्वत मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। शौनक ने बिन्नेश्वर में कहा, महर्षि मुक्ति से तात्पर्य है कि संसार में जन्म लेने से छुटकारा के लिए छुटकारा पा जाना या और कुछ। अंगिरा ने कहा, शौनक मुक्ति का अर्थ है छूटना व्याधियों अर्थात वासना आज ही इस संसार की बंधन रज्जु है। इस अविद्या से मोचन अर्थात छूटने का नाम मुक्ति है। ब्रह्म साधना में लीन साधक किसी अविद्या से छुट्टी पाने की ही कामना रखते हैं। शौनक ने बिन्नेश्वर में पूछा, गुरुदेव उस मोक्ष पाने वाले की मृत्यु के समय क्या विशेषता होती है। अंगिरा ने धीर गंभीर स्वर में कहा, शौनक जो साधक मोक्ष की प्राप्ति करते हैं मृत्यु के समय उनके प्राण आदि की 15 कलाएं अपने अपने कारण में विलीन हो जाती हैं। उनकी समस्त इंद्रियां अपने अपने कारण रूप सूर्य आदि देवताओं में जाकर विलीन हो जाती हैं। जिन सब पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के फल से इस शरीर को प्राप्ति हुई थी उनका भोग समाप्त हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान के अमित प्रभाव से इस जन्म के कर्मों की वासना के बीज का भी विनाश हो जाता है। उनकी कर्ममयी और विनाशमयी आत्मा परमात्मा के अविनाशी तत्व के साथ मिलकर एक रूप हो जाती है। उनकी कर्ममयी और विज्ञानमयी आत्मा परम आत्मा के अविनाशी तत्व के साथ मिलकर एक रूप हो जाती है। जिस प्रकार बहने वाली ये नदियां नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी एवं आत्मनिष्ठ पुरुष भी नाम और रूप के बंधन से विमुक्त होकर उस दिव्य परमात्मा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हेतात जो उस परात्पर पुरुष को भलीभांति जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। उसके कुल में भी कोई ऐसा पैदा नहीं होता जो ब्रह्म को न जानता हो। वह सब प्रकार के रोग शोक दुख दारिद्र से सदा के लिए छुटकारा पाकर गहरी गुफा के समान अंतर मन की सभी गांठों से मुक्त होकर अमर पद को प्राप्त करता है। हे वत्स, वह परम गोपनीय ब्रह्म विद्या जैसे तैसे अरे गहरे लोगों को नहीं बताई जाती। तुम्हारी तरह सभी कर्मानुष्ठानों से अपने चित्त को जो ब्रह्म विद्या लाभ के योग्य बना लेते हैं उसी को बताई जाती है। मैंने तुम्हें इस परम रहस्य का उपरुक्त पात्र समझकर उपदेश दिया है। बेटा, इसकी भरसक रक्षा करना तुम्हारा कल्याण हो। मैं उन परम ऋषियों को नमस्कार करता हूँ जिनकी अमोघ कृपा से मुझे इसकी प्राप्ति हुई है। शौनक भक्ति विहल होकर अंगिरा के पैरों पर अंजलि बाज कर गिर पड़ा। हृदय के आनंद की अधिकता से उसका गला रुध गया। बड़े बड़े नेत्रों में जल के कण छलक आए। मुखमंडल लाल हो गया और रोमावली खड़ी हो गई। थोड़ी देर तक वह इसी तरह आनंद समुद्र में डुबकियां लगाता रहा। अंगिरा ने उठकर उसे उठाकर अपने गले लगा लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण। दूसरे दिन प्रातःकाल अंगिरा से विदा लेकर शौनक भक्ति समेत अपने घर की ओर चल पड़ा। ब्रह्म ज्ञान के शुभ्र प्रकाश से उसका अंतःस्थल आलोकित हो गया था। वन्य प्रकृति की सुखदायिनी छटा देखते हुए वह कब त्रिगर्त पहुंच गया इसका ज्ञान उसे तब हुआ जब लोग आकर उसे प्रणाम करने लगे, कुशल प्रश्न पूछने लगे और उसके भवन की दीवारें दिखाई पड़ने लगी। इस प्रकार से यह आख्यान पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि आप सबको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा, आपके ज्ञान का विकास हुआ होगा, आप इस ब्रह्म ज्ञान के विषय में थोड़े और परिपक्व हुए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।